Today, now we will start exercise 10.3 of chapter 10, algebraical expression and identities, from ML Aggarwal for ICSE for class 8. Here multiply. अब यहाँ पे बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट 5x-2 किससे 3x+4 से. तो 5x अपने प्लेस पे ऐसे का सेम टू सेम रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा 3x+4 आ जाएगा. -2 3x+4 जैसे हमने सेलिना में से किया था ना बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चंस ही हैं. आराध्या क्या आएगा बेटा, ओपन करके बोलो. तो यहाँ पे आ जाएगा तो 15x को, आगे तो 20. पूरा बोला करो बच्चे, प्लस साइन नहीं बोला बीच में. तो प्लस 2x भी आएगा ना. आगे आराध्या, तो आगे आ जाएगा -2. सॉरी सर, -6x आगे तो -8. अब देखो लाइक टर्म्स, 15x² एज लाइक 20x-6x प्लस 14x आ जाएगा -8. तो दिस इज द आंसर बेटा. कोई भी लाइक टर्म नहीं है इसमें, स्क्वायर वाली एक ही टर्म थी, एक्स वाली भी एक ही टर्म है, कांस्टेंट टर्म भी एक है. तो ये आंसर आ गया इसमें बच्चे. नाउ आई कैन डू द 5th पार्ट. रिमेनिंग पार्ट्स कर लोगे ट्राई? यस सर. 5th पार्ट कर रहा हूं क्योंकि वो डेसिमल में था बेटा, दैट्स व्हाई. -2.5b साथ में बेटा किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.5a प्लस 2.5b से. 1.5a एज लाइक और साथ में ये टर्म बेटा, -2.5b और साथ में ये टर्म. वन 1.5 को 1.5 से करेंगे 2.25 आ जाएगा. a इंटू ए स्क्वायर प्लस 15 5s are 75, 7 कैरी 37, 3.75 हो जाएगा बेटा क्योंकि एक डेसिमल प्लेस इसमें एक इसमें. 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 आएगा. एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो दो डेसिमल प्लेस छोड़ के 3.75 ए बी हो जाएगा. यहाँ पे भी 25 × 15 है तो 3.75 ही आएगा ना बेटा, क्योंकि ये सेम ही हो गया. और ए बी यहाँ 25 × 20 माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा. 25 × 25 625 होता है. एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे, एक यहाँ पे है तो 6.25 हो जाएगा. और बी इंटू बी, बी स्क्वायर. अब 3.75 ए बी प्लस का है, 3.75 ए बी माइनस का है, ये कट जाएंगे. ये हमारे पास आंसर बच गया -6.25b स्क्वायर. ओके, यस सर. समझ आ गया बच्चे? यस सर, यस सर. नाउ लास्ट पार्ट बेटा मैं ट्राई करूं कि अपने आप करोगे ट्राई? सर कर देता हूं, पक्का? यस सर. देख लो, नहीं तो कर देता हूं मैं, हो जाएगा. ज़्यादा हार्ड है कि नहीं? हार्ड तो कुछ भी नहीं है, फिर कर लेंगे. ठीक है सर, कर लेंगे. सेकंड सम भी हो जाएगा बच्चे कि करूं एक पार्ट? चलो तुमसे ही पूछता हूं, सेकंड का सेकंड कर लेते हैं. 3 - 5x + 2x² को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4x-5 से. तो 4x-5 को कुशाग्रा में आगे लिख सकता हूं बेटा? कुशाग्रा, यस सर. आगे लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई है, आगे पीछे हो सकता है. यस सर, यस सर. अब कैसे करेंगे बेटा मल्टीप्लाई? क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 4x ब्रैकेट में 3 - 5x + 2x². वेरी गुड. -5 आ जाएगा और yes, साथ में ये सारी टर्म आ जाएगी. -5x + 2x². मल्टीप्लाई करो कितना आ गया सर 12x -20x2। हाँ जी बेटा प्लस 8x3। वेरी गुड। -5 को करो बेटा तीनों से तो -15। हाँ जी प्लस 25x। यस -10x2। वेरी गुड। अब देखो x वाली एक ये टर्म है एक ये टर्म है, दोनों प्लस हैं, 37x आ जाएगा बेटा। स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं, -20 -10 दोनों माइनस की हैं बेटा, प्लस हो जाएगा ना, बट साइन किसका आएगा माइनस का। क्यू वाली एक ही टर्म है और कांस्टेंट टर्म भी एक ही है, तो ये कोई भी लाइक टर्म नहीं है इनमें, दिस इज आंसर। अब थर्ड सम है जो बेटा सॉरी थर्ड का भी हम सेकंड पार्ट कर लें। टू -3y -5y2 किसके साथ 2y -1 + 3y2 के साथ। 2 एज लाइक साथ में ये सारी टर्म आ जाएगी, 2y -1 + 3y2 -3y और साथ में ये सारी टर्म आ जाएगी, 2y -1 + 3y2 -5y2 आ जाएगा और साथ में ये टर्म आ जाएगी। ओपन करो, 2 को 2y से किया 4y सर, 4y -2 सर प्लस 6y2। हाँ जी फतेह आगे सर -5 सर 6y2 आगे सर प्लस 3y आगे -9y3 आगे सर -10y3। वेरी गुड। आगे प्लस 5y3 स्क्वायर सर स्क्वायर कैसे आएगा सर 1 × 5 -5y2 को 1 से करेंगे तो बेटा 5y2 ही रहेगा। गलती सर स्क्वायर बोलना सर क्यूब बोल दिया। -15y सर 4 आ जाएगा पावर 4। हाँ कांस्टेंट टर्म y वाली टर्म बेटा ये है दो, क्या बनेगा सर 7y प्लस 3y 7y। कांस्टेंट टर्म एक ही है, -2 रह जाएगा। स्क्वायर ये इससे कट गया बेटा, 6y2 प्लस का है 6y2 माइनस का है, एक ये टर्म बच गई y2 वाली, प्लस 5y2 आ जाएगा। y वाली एक ही टर्म है, ऐसी आ जाएगा बच्चे फतेह। यस सर। q वाली ये दो टर्म्स हैं सर -19 y स्क्वायर वाली हमने टर्म लिखी दी, पावर 4 वाली भी एक ही टर्म है, तो दिस इज द कोई भी लाइक टर्म नहीं है अभी यहाँ पे। यस आगे समझ। यस सर। यस सर। फोर्थ सम, फोर्थ का बेटा मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सिंपल है, फोर्थ थर्ड सेकंड थर्ड भी सिंपल है। ट्राई करोगे बच्चे ये सम्स? ये बताओ मुझे कि मैं करूँ? यस सर कर लेंगे ट्राई। बोलो बेटा फतेह अन्वेषा सादरा प्रगति करोगे ना? यस सर। तो फिफ्थ सम है वो भी वैसे ही जैसे हमने पहले नहीं किया था, लेंथ गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है, एरिया फाइंड करना है। सर ट्राई कर लेंगे, अगर डाउट हो तो पूछ लेंगे। y2 ब्रेड्थ की वैल्यू बेटा सेकंड वाली, अब ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है बस, और एरिया फाइंड करना है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दिस इनटू दिस हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई। यस सर। तो अभी ये तुमने 2 एक्सरसाइजेस करनी है बेटा, ठीक है? आज का ये होमवर्क है। 10.4 और 10.5 हमारी 2 एक्सरसाइजेस बची हैं। जो 10.5 है वो बच्चे टोटली डिफरेंट है। 10.4 है वो हमने ऑलरेडी जैसे किया था ना सलीना में से, वही सेम वाले क्वेश्चंस ही हैं, बस 1-2 एक्स्ट्रा सम्स आ गए इसमें, 7 सम एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। कल हम ये करते हैं। आज के लिए इतना एनफ है। बोलो बेटा, आपकी मर्जी। मेरी मर्जी? किसने बोला था मेरी मर्जी? सर मैंने। यश ने? यश तो चलो मान सकते। आराध्या, आराध्या यस सर, कल से अलार्म लगा के सोना, ठीक है? ओके सर। ओके ठीक है बच्चे, चलो ओके, बाय बाय सर। बाय सर, थैंक यू।